हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। इसमें हम बात करने वाले हैं आपके एनसीईआरटी एग्जांपल्स के फर्दर 1.1 की, ठीक है, जैसे फर्दर क्वेश्चंस की बात करने वाले हैं। ठीक है, आपको याद होगा इन माय प्रीवियस वीडियो हमने डिस्कस किया था एनसीईआरटी एग्जांपल्स के अप टू 1.10 तक के सारे क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया था। ठीक है, सो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं आपके एक्सरसाइज के एग्जाम्पल्स 1.1 के, ठीक है, बात करने वाले हैं। ओके, कमिंग टू द क्वेश्चंस पे आते हैं सीधा। आपके पास आई होप एनसीईआरटी बुक्स तो होगी ही होंगी, ठीक है। आप उसमें एग्जांपल नंबर 1.1 को ध्यान से समझेंगे, ठीक है। इसमें गिवन है द इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट्स, ठीक है, ई के कंपोनेंट्स की बात की गई है, इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट्स की बात की गई है। इज गिवन एज ई एक्स इक्वल्स टू अल्फा एक्स टू द पावर 1/2 दे रखा है, ठीक है, एंड ई वाई एंड ई जेड इनको जीरो कर रखा है। यानी कि आपके जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं उनके जो कंपोनेंट्स हैं वाई और जेड वाले वो जीरो है, ठीक है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड आपका सिर्फ एक ही डायरेक्शन में चल रहा है, वो कौन सी डायरेक्शन है, एक्स वाली, ठीक है। आगे समझते हैं, एंड इन विच इन दिस अल्फा इक्वल्स टू आपको गिवन है कितना है, 800 न्यूटन पर कूलम, और साइड में आपको दे रखा है यहाँ पे, ठीक है, 800 न्यूटन पर कूलम, और m के पावर 1/2 भी दे रखा है, यानी मीटर 1/2 भी दे रखा है। ये यूनिट है, अल्फा की यूनिट दे रखी है आगे, ठीक है। कैलकुलेट द फर्स्ट पार्ट द फ्लक्स थ्रू द क्यूब, आपको क्या करना है, कैलकुलेट द फ्लक्स थ्रू द क्यूब। दूसरा कैलकुलेट करना है आपको द चेंज विद इन द क्यूब, चार्ज विद इन द क्यूब, यानी कि चार्ज कैलकुलेट करना है। ज़रा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, समझेंगे। फ्लक्स यानी कि फाई, चार्ज यानी कि क्यू, ये दो चीज़ें आपको कैलकुलेट करना है। एज्यूम दैट a इक्वल्स टू भी आपको दे रखा है, वो भी आप लिख लो यहीं पे कहीं पे। a इक्वल टू दे रखा है 0.1 मीटर, ठीक है। इतनी सारी चीज़ें आपको गिवन है। अब समझो, आपको और भी कुछ गिवन है, क्या गिवन है, फिगर गिवन है। तो फिगर भी आपको गिवन है, तो फिगर में भी हम देख लेते हैं पहले चीज़ें क्या गिवन है। फिगर को समझना यहाँ पे सबसे ज़रूरी है। फिगर में आपको गिवन है कि सर ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया, ठीक है, एक्स एक्सिस, जेड एक्सिस, ठीक है। क्योंकि हमारे वाई और जेड वाले में तो कोई कंपोनेंट है ही नहीं, तो हमने मान लिया कि ये वाई और जेड में कुछ नहीं है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जा रहा है, एक्स वाले एक्सिस पे, तो हमने मान लिया कि ये जो एक्स एक्सिस है ये हमारा, यही हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड वाली एक्सिस है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इसी एक्सिस में जा रहा है, ठीक है। आगे आपको एक क्यूब दे रखा है, और क्यूब कुछ इस तरीके से दे रखा है, ठीक है, क्यूब को कुछ इस तरीके से बना हुआ है, देख लो जरा, ठीक है। ठीक, यहाँ तक बन गया। और इस क्यूब की साइड दे रखी है आपको कितनी, a दे रखी है, ये आपका क्यूब है, ठीक है, ये आपका क्यूब है जिसकी साइड आपको दे रखी है, ठीक है। और आपसे ये भी कहा गया है कि यहाँ से ये जो ओरिजिन है, ये जो आपका 0 0 0 है, यहाँ से डिस्टेंस भी आपको दे रखा है, इस फेस की कितनी है, a है, और ये इसकी साइड कितनी है, a होगी, ठीक है, यहाँ तक की। आगे आपको दे रखा है दो फेस है, एक इस फेस की हम बात कर रहे हैं, इस फेस की, इस वाले फेस की, एक उस तरफ फेस है, ठीक है, और एक इस तरफ की जो फेस है इसकी हम बात कर रहे हैं, ये दो फेस दिख रहे हैं, ठीक है, इन दोनों फेस की बात कर रहे हैं। इन दोनों फेस की आपको डायरेक्शन दे रखी है, क्योंकि दोनों फेस क्या है, एक्चुअली ये सरफेस एरिया है, और सरफेस एरिया की डायरेक्शन क्या होगी, आउटवर्ड होगी, ठीक है। तो इस फेस की डायरेक्शन इस तरफ होगी, इस फेस की डायरेक्शन इस तरफ होगी। तो हमने मान लिया इसको कि ये हमारा राइट फेस है, ठीक है, और इसको हमने मान लिया ये हमारा कौन सा फेस है, ये हमारा लेफ्ट फेस है, ठीक है, ये हमारा लेफ्ट फेस है और ये हमारा राइट फेस, ठीक है। तो राइट फेस पे हमारा जो है यूनिट वेक्टर, हमने मान लिया एन कैप राइट, और यहाँ पे लेफ्ट पे मान लिया एन कैप लेफ्ट। इतनी सारी चीज़ें हमने कर ली। अब इसके बाद आते हैं अगले पॉइंट पे। चलो समझते हैं जरा पूरा का पूरा क्या है, क्वेश्चन क्या है, समझो। क्वेश्चन ये कहा गया है कि ये आपको फिगर गिवन है, इस फिगर में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, वो भी एक्स डायरेक्शन में गिवन है, जिसकी वैल्यू इस तरीके से गिवन है, जिसमें अल्फा की वैल्यू भी आपको गिवन है, और ई वाई ई जेड कंपोनेंट्स आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के जीरो गिवन है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट गिवन है आपको कि इसमें अल्फा की वैल्यू और उस क्यूब के साइड की वैल्यू गिवन है। फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है फ्लक्स थ्रू द होल क्यूब, चार्ज विच इज इंक्लूज बाय द क्यूब, ठीक है। तो इस
क्यूब के अंदर चार्ज कितना है उसको भी पूछा गया है। तो चार्ज आप तभी निकल पाओगे जब आप फ्लक्स निकाल पाओगे, क्योंकि पास आपके पास जो थ्योरम है, कौन सा थ्योरम है? गॉस थ्योरम। और गॉस थ्योरम क्या कहता है बेटा? कि फ्लक्स इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो अगर आप फ्लक्स निकाल लोगे तो क्यू तो बड़े आराम से आप निकाल लोगे। तो हम बात करेंगे फ्लक्स की। समझो, देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस पे जा रही है, ठीक है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होंगी वो भी आपकी एक्स एक्सिस पे ही जाएंगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब आगे समझो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो जा रही हैं वो सिर्फ और सिर्फ सरफेस के अलोंग जा रही हैं, मतलब इधर इस डायरेक्शन में जा रही हैं, यानी कि इधर से इधर जा रही हैं, इतनी बात तो श्योर होगी। तो डेफिनेटली वो इस वाले फेस और इस वाले फेस से ही होकर जाएंगी, और वो भी एग्जैक्टली परपेंडिकुलर जाएंगी। तो पूरा का पूरा जो इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा था, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही थी, वो सारा का सारा इस दोनों फेस के परपेंडिकुलर जा रही हैं। तो इन दोनों फेस पे वो फ्लक्स क्या होगा? इंक्लूड होगा, ठीक है? लेकिन अगर आप बात करोगे सर इस वाले फेस का क्या होगा, इस वाले फेस का क्या होगा, तो वहाँ पे कोई भी फ्लक्स नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इस वाले फेस पे और इस वाले फेस पे अगर हम बात करेंगे तो इस वाले फेस पे और इस वाले फेस के इलेक्ट्रिक फील्ड पे और इस पे फेस पे क्या होगा, एंगल कितना बनेगा? 90। देखो कैसे, ये आपका मान लो सरफेस एरिया हो गया और ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा था इस तरफ से, देखो तो ई और इसके बीच में कितना बन गया? 90। तो इस वाले के लिए आपका फ्लक्स कितना आएगा? ई डी एस, आप लिखते हो ना ई एस कॉस 90 लिखोगे तो इक्वल टू 0 हो गया कि नहीं बताओ? तो इसके लिए फ्लक्स 0 हो जाएगा, और इसके लिए भी फ्लक्स क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, इस फेस के लिए नहीं आएगा। सिमिलरली इस जो बाहर की तरफ फेस है उसके लिए फ्लक्स 0, क्योंकि एंगल 90 बनेगा, और अंदर वाले के लिए भी क्या होगा? फ्लक्स 0, वो आप कर लोगे। तो कुल मिला के फ्लक्स क्या मिला? कुल मिला के फ्लक्स सिर्फ मिला कि लेफ्ट साइड और राइट साइड इनके बीच इसी पे हमारे फ्लक्स आएंगे। तो हम क्या निकालेंगे? पहले नेट फ्लक्स निकाल लेंगे, ठीक है? तो हम निकालेंगे फ्लक्स एट लेफ्ट फेस एंड फ्लक्स एट राइट फेस, दो चीज़ें हम निकालेंगे, ठीक है? तो जब आप फ्लक्स एट लेफ्ट वाले पे निकालोगे, इस वाले की बात कर रहे हो, तो इसकी डायरेक्शन इधर है, ठीक है, दिस पे, और इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है इस तरफ, इधर देखो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और इस फेस के बीच में जो एंगल बनेगा कितना बनेगा? एंगल एंगल बनेगा आपका 180। एंगल बनेगा कितना बेटा? एंगल बनेगा आपका 180, ठीक है? सॉरी फॉर दिस डिस्टर्बेंस, ओके। एंगल बना आपका 180। तो देखो, ये आपका इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इस तरफ एंगल बन गया 180। तो लेफ्ट के लिए आप लिखोगे कि सर ई डी एस, और आपका क्या आएगा? मान लो हमने डी एस मान लिया इसका सरफेस एरिया, डी एस ना मान के आप और भी कुछ मान सकते हो, सरफेस एरिया लिख सकते हो, एस भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? चलो, कॉस कितना बनेगा? तो कॉस 180 कितना बनेगा? कॉस 180। क्यों 180 बना? क्योंकि भाई इसका फेस इस तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एंगल कितना? 180, ठीक। तो आपने यहाँ से लिख दिया कि सर ये तो आएगा आपका माइनस ई डी एस आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा बताओ? लेफ्ट वाला क्लियर हो गया। कमिंग टू द राइट फेस, जब आप राइट फेस पे आओगे तो राइट फेस पे सरफेस, इसकी सरफेस की डायरेक्शन किधर होगी? इधर, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर। तो दोनों के लिए एंगल कितना बनेगा? यहाँ पे एंगल बनेगा 0, और यहाँ एंगल बनेगा 180। तो 180 तो हो चुका है, ये एंगल 0 बन गया, यानी ई डी एस कॉस 0। इसका मतलब क्या बना? ई डी एस मिला, ये फाई आर मिल गया, ये फाई एल मिल गया। तो फाई लेफ्ट और राइट हमें दोनों मिल चुका है, ठीक है? इतनी बात तो क्लियर हो गई। अब बात आती है यहाँ पे सरफेस एरिया की। सर सरफेस एरिया क्या था? हमने डी एस लिखा है, लेकिन यहाँ पे सरफेस एरिया क्या है? तो इस फेस का सरफेस एरिया, इस फेस का सरफेस एरिया। तो ये क्यूब है, तो ये वाला एक फेस क्या होगा? जस्ट लाइक ए स्क्वायर, साइड सबकी सेम है, तो एरिया कितना जाएगा? ए स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं माइनस ई ए स्क्वायर, ठीक है? और इसका क्या हो जाएगा कंपोनेंट? याद रखना ये ई एक्स है, ये कौन सा है? ई एक्स है। क्यों ई एक्स है? क्योंकि बेटा हमारा सिर्फ एक्स कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ही क्या आ रहा है यहाँ पे, जिसमें वैल्यू मिल रहा है, बाकी दो कंपोनेंट में 0 चल रहा है, ठीक है? तो ये ई एक्स ही है। अब देखो यहाँ पे हमने ई एक्स और ए स्क्वायर लिख दिया, ठीक है, ई एक्स एंड ए स्क्वायर, ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी, ठीक। दूसरे में क्या जाएगा? ई एक्स, यहाँ भी तो ए स्क्वायर आएगा ना, इसमें क्या तकलीफ है बताओ भाई? एरिया यहाँ भी तो ये आएगा, आएगा कि नहीं आएगा बताओ? सोचो, देखो एरिया कितना आएगा? यही तो आएगा ना भाई, ये भी तो एक फेस ही है ना, और इसका भी तो एक क्या होगा? स्क्वायर शेप होगा, क्यूब है, तो इस फेस का एरिया भी तो कितना आएगा? ए स्क्वायर आएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आती है कि सर नेट फ्लक्स का क्या करें? तो आपको अब नेट फ्लक्स लिखना होगा, देयरफॉर द नेट फ्लक्स, ठीक है, नेट फ्लक्स आप कर लो
नेट फाइव मैंने कर दिया। अब बताओ मुझे ज़रा एक चीज़ कि सर फाई स्केलर होता है या वेक्टर, ये बताओ फाई स्केलर होता है या वेक्टर। फाई होता है स्केलर, इसका मतलब हमें दोनों के दोनों क्या करने होंगे, सीधा सीधा ऐड कर देने होंगे। तो टू फाइंड द नेट फ्लक्स वी हैव टू ऐड दिस टू फ्लक्स, सो दैट वी विल ऐड लेफ्ट प्लस राइट या राइट प्लस लेफ्ट जो भी है। तो राइट वाली पॉजिटिव है तो इसको पहले लिख लो, लेफ्ट वाला माइनस में तो उसको बाद में लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने लिख लिया यहाँ पे, ठीक है। आप ऐसे भी लिख लो, राइट और लेफ्ट कर लो, कोई तकलीफ नहीं है, दोनों ऐड कर देना है। ये इसकी वैल्यू कितनी है, तो सॉरी राइट की वैल्यू कितनी है, ई एक्स, हाँ ई एक्स ए स्क्वायर, ठीक। और लेफ्ट वाले की कितनी है, तो माइनस ई एक्स ए स्क्वायर। लेकिन एक चीज़ अभी आपको यहाँ पे करना है, ये जो ई एक्स दिख रहा है ये दूसरा है, ये जो ई एक्स दिख रहा है ये दूसरा है। अब यहाँ पे कैसे करेंगे बेटा, तो हम एक काम कर सकते हैं, ज़रा दोनों की वैल्यू हम इंडिविजुअली निकाल के आपको बता दें कितना आता है, फिर उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। देखो तो मैं ऐसा करता हूँ, पहले मैं इस केस में लेफ्ट वाले केस में ई एक्स निकालता हूँ। देखो जब आप लेफ्ट फेस पे आते हो, लेफ्ट फेस पे ये लेफ्ट फेस है, तो यहाँ पे ई एक्स की वैल्यू क्या आएगी, अकॉर्डिंग टू दिस गिवन वैल्यू आप लिखोगे ना अल्फा एक्स टू द पावर 1/2। तो ये एक्स क्या था, ये एक्स था यहाँ से डिस्टेंस, ओरिजिन से एक्स, ये फेस की डिस्टेंस। दिस एक्स रिप्रेजेंट द डिस्टेंस फ्रॉम दिस ओरिजिन टू द फेस, वो जो एक्स दिख रहा है। तो अब यहाँ पे एक्स कितना है, एक्स इक्वल टू क्या है यहाँ पे, ए। तो इस फेस के लिए एक्स इक्वल टू ए हो जाएगा। तो यहाँ पे जो ई लिखा हुआ है इसके जगह पे हम क्या लिखेंगे, अल्फा एक्स, लेकिन एक्स की जगह यहाँ पे ए हो जाएगा, क्योंकि ये फेस एक्स इक्वल टू ए डिस्टेंस पे है और उसके पावर 1/2, याद आ रहा है वो, देखो लिखा है, ठीक है। और यहाँ पे ए स्क्वायर है, साथ में ए स्क्वायर हो गया, ठीक। अब ये माइनस दूसरा आपका ई एक्स है, ये ई एक्स कौन सा है, तो सॉरी लेफ्ट फेस के लिए है, ये राइट फेस के लिए था ना, सॉरी ये राइट फेस के लिए था, आई थिंक ये राइट फेस के लिए था, ये लेफ्ट फेस के लिए था। तो लेफ्ट वाले में क्या आएगा, लेफ्ट वाले में ये आ जाएगा, तो यहाँ पे ये आपको चेंज हो जाएगा, ठीक है। राइट वाले में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए वैल्यू चेंज हो जाएगी ना, जब राइट पे आप आओगे, राइट फेस पे, तो यहाँ तक आने में आपको देखो एक्स इक्वल टू यहाँ से ए, और यहाँ से यहाँ भी तो ए डिस्टेंस है, तो आपको यहाँ से यहाँ तक टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करना होगा, ये वाली डिस्टेंस। तो इस फेस पे जब आओगे तो यहाँ एक्स इक्वल टू कितना आएगा, 2a आ जाएगा, आई बस समझ में। तो इस फेस पे जब आप आओगे यानी राइट फेस पे, तो ये 2a हो जाएगा, और लेफ्ट वाले में कितना हो जाएगा, तो अल्फा, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो a हो जाएगी 1/2, और साथ में ए स्क्वायर, ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी। अब इसको आपको कैलकुलेट करना है, सो यू विल गेट द आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं कैलकुलेट कर दे रहा हूँ आपको समझाने के लिए। देखो ये वैल्यू गिवन है, इसके अकॉर्डिंग मैंने किया है, ठीक है। जब आप लेफ्ट पे निकालोगे तो यहाँ x इक्वल टू क्या कर लोगे, लेफ्ट पे निकालोगे तो x इक्वल टू ए कर लोगे, जब आप राइट पे निकालोगे तो x इक्वल टू 2a कर लोगे, ठीक है। इसलिए हमने वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज कर दिया, ठीक। चलो बस इसके बाद आपको क्या करना है, सॉल्व कर देना है। तो आपको सॉल्व कर देना है, तो जैसे ही आप सॉल्व करोगे यू विल गेट द आंसर, वहाँ से नेट फ्लक्स फाई इक्वल्स टू कितना आ गया, देखो अल्फा एंड अल्फा कॉमन आ जाएगा, ठीक है, अल्फा कॉमन ले लिया, वहाँ कितना बचेगा, 2 की पावर 1/2 यानी अंडर रूट 2 हो जाएगा, ए के पावर 1/2 एंड ए स्क्वायर कितना आएगा, ए के पावर 1/2 प्लस 2, देखो ए के पावर 1/2 प्लस 2 होगा कि नहीं होगा बता, ये कितना आएगा, 2 टू 4 5/2, तो ये आप लिख दोगे यहाँ से 5/2, ठीक है। वहाँ पे माइनस अल्फा आपका कॉमन हो चुका है, बचेगा यहाँ से ए टू द पावर 5/2, यही तो बचेगा ना। तो अब आपको दिख रहा है यहाँ से अल्फा भी आ चुका है, ए टू द पावर 5/2 भी कॉमन आएगा, तो बचेगा क्या, अंडर रूट 2 - 1, यही तो बचेगा। यहाँ से आ गया ये आपका फ्लक्स, ये क्या आया आपका फ्लक्स आ गया 5, ठीक है। तो यहाँ से ये आ गया आपका फ्लक्स, ठीक है, 5। अब आपको पूछा गया है नेट चार्ज क्यू, तो जब आप नेट चार्ज क्यों पूछोगे, देखो अब इसमें वैल्यू आप रख सकते हो, ए की वैल्यू आप रख सकते हो, ये गिवन है, ठीक है, अल्फा की वैल्यू गिवन है, ये दोनों वैल्यू यहाँ पे रख दो, ए एंड अल्फा, अंडर रूट 2 की वैल्यू 1.4 रख लो, 1.412 आंसर आ जाएगा। दूसरा आपसे पूछा गया है चार्ज, जब आप चार्ज निकालोगे तो चार्ज के लिए आपको गॉस थ्योरम यूज करना पड़ेगा। तो गॉस थ्योरम क्या कहता है, गॉस थ्योरम कहता है कि बेटा फ्लक्स इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होना चाहिए, ठीक है। जब आप Q बाई एप्सिलॉन नॉट लगाओगे तो आपके पास सिंपली
यहाँ से चार्ज आ जाएगा। देखो कैसे, क्यू इक्वल्स टू क्या लिखोगे, फाइव इंटू एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको अच्छे से पता है, ठीक है, कितना होता है तो 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12, ठीक है। फाइव की वैल्यू कितनी है, तो ये हमने निकाल ली यहाँ से, ये फाइव की वैल्यू, इस फाइव को उठा के यहाँ रख दो, क्यू की वैल्यू आपको निकालनी है, फाइव इंटू एप्सिलॉन नॉट कर दो, क्यू की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1.11, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 1.12 की, ठीक है। तो ध्यान से समझेंगे क्वेश्चंस को, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा आपको दिखने में लग रहा है कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है बेटा, ओके। ठीक है, अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो यहाँ पे आप लेफ्ट राइट लिख सकते हो, ठीक है। ये आपने लिखा है ना, तो यहाँ पे ई एक्स राइट वाला है तो राइट लिख सकते हो, ये लेफ्ट है तो ई एक्स एल लिख सकते हो चाहो तो, ठीक है। ये आप राइट है तो राइट लिख सकते हो, ठीक है, राइट लिख सकते हो चाहो तो एल लिख सकते हो, इसको अपने लिए कन्फ्यूजन ना हो इसके लिए। और दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड हमने बता दिया, ये कैसे आते हैं, डिस्टेंस के अकॉर्डिंग वेरी कर रहा है, ठीक है। कमिंग टू एग्जाम्पल नंबर 1.12, एग्जाम्पल नंबर 1.12, ठीक है। सो एग्जाम्पल नंबर 1.12 में भी कुछ इसी तरीके का फ्लक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिखने में लेंदी है क्वेश्चन, लेकिन मैं बता दूँ क्वेश्चन बहुत ही इजी है और थोड़ा सा कंसेप्चुअल से क्वेश्चन, कंसेप्चुअल इसलिए है क्योंकि आपको समझना पड़ेगा चीज़ों को, ठीक। क्योंकि एनसीईआरटी के क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं कि आपको जो दिखने में लगते हैं टफ होते हैं वो कंसेप्चुअल, और जब आप उसको समझ जाओगे तो वो हो जाते हैं बहुत ही ईजी, ठीक है बेटा। आओ, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि यूनिफॉर्म है, एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ यूनिफॉर्म एंड इन अ पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन फॉर पॉजिटिव एक्स, ठीक है भाई, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है इलेक्ट्रिक फील्ड। आगे, एंड यूनिफॉर्म विद द सेम मैग्नीट्यूड, मतलब मैग्नीट्यूड सेम है बट इन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, यानी कि एक एक्स एक्सिस है उसके पॉजिटिव वाले में जितना इलेक्ट्रिक फील्ड है नेगेटिव वाले में भी सेम है मैग्नीट्यूड में, ठीक है भाई, समझ गया। आगे आपसे कहा गया है कि इट इज़ गिवन दैट, क्या गिवन है उस पर आते हैं, तो गिवन दैट पे क्या गिवन है, सबसे पहली चीज़ आपको गिवन नोट करनी होती है, तो गिवन है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड 200 आई कैप, आई कैप मतलब डायरेक्शन एक्स बता रहा है, ये कौन सा है, एक्स वाला है, इसका मतलब न्यूटन पर कूलम, ठीक। फॉर एक्स ग्रेटर देन जीरो, ये कब है, जब एक्स की वैल्यू क्या हो, ग्रेटर देन जीरो है, ठीक है भाई, समझ में आ गया। एंड ई की वैल्यू आपको दे रखा है माइनस टू हंड्रेड आई कैप, यानी कि ये क्या है, ये भी ई एक्स है लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में है, ठीक है। और ये भी कब है, ये भी कब है, जब एक्स की वैल्यू लेस देन जीरो होगी, भाई ग्रेटर देन जीरो के लिए यानी पॉजिटिव वाली वैल्यू बता रहा है, लेस देन जीरो यानी कि नेगेटिव वैल्यू बता रहा है, ठीक है, एक्स एक्सिस पे दोनों ही है, ठीक है। आगे समझते हैं, अ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ लेंथ, सिलेंडर का लेंथ दे रखा है आपको 20 सेंटीमीटर, रेडियस दे रखा है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, हैज इट्स सेंटर एट ओरिजिन, ओरिजिन पे सेंटर है। देखो तो क्वेश्चंस को समझते चलो, फिगर को ड्रॉ करते चलो, तो आप सबसे पहले एक्सिस बनाओ, ठीक, ये हो गया वाई, ये हो गया एक्स, ये हो गया माइनस एक्स माइनस वाई, सेंटर पे सिलेंडर का सेंटर है लिखा है यहाँ पे, द राइट सर्कुलर सिलेंडर जिसका लेंथ एंड रेडियस गिवन है, इट्स सेंटर इज एट ओरिजिन, तो सिलेंडर का जो है सेंटर वो भी कहाँ पे है, ओरिजिन पे है, तो कुछ इस तरीके से सिलेंडर होगा आई होप, ठीक है, सेंटर पे है, ओरिजिन पे। आगे आपसे कहा गया है यहाँ से, ठीक है, एंड इट्स एक्सिस अलॉन्ग द एक्स एक्सिस, यानी इस सिलेंडर का जो एक्सिस है, देखो ये एक्सिस, ये कहाँ गया है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, तो देखो हमने ऑलरेडी बना दिया है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, इसकी सिलेंडर की भी एक्सिस एक्स एक्सिस है, बिल्कुल सही है, आप गलती से वाई एक्सिस पे ना बना दें, इसके लिए इन्होंने बताया है, ठीक है। तो आपको याद रखना है सिलेंडर की एक्सिस भी कौन सी है, एक्स एक्सिस वाली भी है, ठीक है। आगे आपसे दे रखा है, सो दैट वन फेस एट एक्स इक्वल टू प्लस 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे जब आओगे प्लस से बात की गई है, यानी यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी होगी, प्लस 10 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। एंड अनदर वन एक्स इक्वल टू, यहाँ पे क्या बोला गया है, एक्स इक्वल टू माइनस 10 सेंटीमीटर, भाई दो ही पॉसिबिलिटी है, इधर प्लस तो उधर माइनस, इक्वल है सेंटर से,
और लेंथ कितना है 20 सेंटीमीटर है, यानी आपको यहाँ से यहाँ तक की लेंथ भी कितनी दे रखी है, तो 20 दे रखी है। तो आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे, व्हाट इज़ द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द ईच फ्लैट फेसेस। तो पहला क्वेश्चन है कि आउटवर्ड फ्लक्स निकालना है थ्रू ईच फेस। ठीक है, थ्रू ईच फेस। अरे दोनों दो फेस दिख रहे हैं ना इसके, एक फेस ये हो गया, एक फेस ये हो गया, दोनों फेस पे बताना है। क्या बताना है? नेट आउटवर्ड फ्लक्स ईच फेस, मतलब दोनों का अलग अलग बताना है, नेट नहीं बताना है। ठीक, अब उसके बाद बोला गया है व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द साइड ऑफ द सिलेंडर। साइड ऑफ द सिलेंडर, सिलेंडर का साइड का मतलब हुआ कि ये इसका सिलेंडर का साइड है, दिख रहा है यहाँ पे, इस पे कितना फ्लक्स आएगा, इस पे भी पूछा गया है आपको। ठीक है, इसके साइड वाले इस सरफेस पे भी पूछा गया है। तो हम दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं बेटा, दूसरा आपसे पूछा गया है कि आपके फ्लक्स पूछा है, फ्लक्स थ्रू द साइड ऑफ सिलेंडर, साइड ऑफ सिलेंडर। ठीक है, और तीसरा पॉइंट है व्हाट इज द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर, मतलब नेट आपका पूछा गया है। तीसरा आप क्या कह सकते हो, नेट फ्लक्स पूछा गया है, नेट फ्लक्स 5 हो गया। लास्ट भी पूछा गया है व्हाट इज द नेट चार्ज ऑफ द इनक्लोज सिलेंडर, व्हाट इज द नेट चार्ज ऑफ द सिलेंडर, यानी कि डी वाला आपसे पूछा गया है नेट चार्ज, यानी नेट चार्ज क्यों पूछा गया है। देखो क्वेश्चन देखने में आपको थोड़ा सा लेंदी लग रहा है, लेकिन मैं आपको समझा दे रहा हूँ, बहुत ही ईजी है, क्वेश्चन को ध्यान से समझ लो। ठीक है, चलो, तो क्वेश्चन दरअसल ये है कि एक आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसके दो वैल्यू दे रखी है, पॉजिटिव में भी और नेगेटिव में भी। ठीक है, और ये कहा गया है आपसे कि एक सिलेंडर है वो सेंटर पे रखा गया, उसका उसका सेंटर ऑलरेडी एक्सिस के ओरिजिन पे है, मतलब ओरिजिन पे है सिलेंडर के सेंटर। ठीक, वहाँ से कहा गया है कि दोनों फेस की डिस्टेंस प्लस और माइनस 10 सेंटीमीटर है। ठीक, अब आपसे पूछा गया है कि दोनों फेस से कितने फ्लक्स जाएंगे, दोनों फेस के अलावा ये जो इसका साइड है, ये वाली साइड, इस पर कितने फ्लक्स होंगे, नेट फ्लक्स कितना होगा, और उसके बाद इस पर चार्ज कितना इंक्लोज होगा, ये नेट चार्ज इसके अंदर, ये सारी चीज़ें बतानी है। चलो वन बाई वन समझते हैं। देखो ये वाला आपका वैसे ही समझेंगे, इसको हमने मान लिया ये कौन सा फेस है, राइट फेस है, ये कौन सा है तो लेफ्ट फेस है। ठीक है, समझो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन दोनों ही हमारे पास हैं, लेफ्ट वाले भी राइट वाले। जब इस पर बात करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, इधर होगी कि नहीं होगी, आई कैप का मतलब ही हो गया कि ये कौन सी डायरेक्शन में है, एक्स डायरेक्शन में है ना। ठीक, तो हमने इधर बना लिया। दूसरी चीज़ यहाँ देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, अब बात आती है कि सर सरफेस की डायरेक्शन कहाँ है, तो बेटा ये जो सरफेस दिख रहा है इसकी भी डायरेक्शन तो आउटवर्ड होगी, तो इसकी सरफेस की डायरेक्शन हमने मान ली क्या है, यहाँ पे डी एस है बाहर की तरफ। अरे इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर, डी एस भी बाहर, एंगल कितना बना, 0। तो यहाँ से फ्लक्स कितना आएगा इस फेस पे, यानी फ्लक्स एट राइट फेस। ठीक है, राइट फेस पे कितना आ जाएगा, आएगा आपका ई डी एस cos 0 हो जाएगा, यानी कि ई डी एस। अब इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दे रखा है, देखो बहुत ही अच्छे से दे रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको ऑलरेडी दे रखा है। बात आती है कि सर डी एस कितना रखे, तो डी एस के लिए आपको देखो इलेक्ट्रिक फील्ड तो 200 दे रखा है, आपको मैग्नीट्यूड ऑलरेडी पता है। डी एस की जब हम बात करेंगे तो डी एस का मतलब इस सरफेस का सरफेस एरिया, इसका सरफेस एरिया क्या होगा, सर्कल का सरफेस एरिया होता है जैसा, वही होगा पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर यानी कि पाई आर आपका रेडियस दे रखा है, रेडियस देखो 5 सेंटीमीटर दे रखा है, ऑलरेडी दे रखा है, सब कुछ तो दे ही रखा है। अब इसको मीटर में चेंज कर लेना, याद रखना मीटर में चेंज करोगे तो कितना आएगा बेटा, भाई सेंटीमीटर से मीटर में चेंज करो, 100 से डिवाइड कर दो। ठीक है, सो ये 0.05 आ जाएगा मीटर में, तो यहाँ पे आप मीटर में लिख लेना, पाई आर स्क्वायर में लिख दे रहा हूँ, फॉर्मूला आप समझ जाना, आर की वैल्यू यहाँ रख देना, कैलकुलेट कर लोगे राइट फेस पे आ जाएगा। मेरा काम है समझाना, आप कैलकुलेट करते रहो। ठीक है, आ जाओ लेफ्ट पे, आ जाओ लेफ्ट पे, जब आओगे तो इस फेस पे आ जाओगे, इस फेस पे आओगे तो इधर सरफेस एरिया भी किधर बेटा, इसका सरफेस एरिया भी तो इधर ही जा रहा है डी एस, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो इधर जा रहा था माइनस वाला ई माइनस एक्स, तो ये ई माइनस एक्स वाली होगी, माइनस एक्स वाली 200 यहाँ भी है, मैग्नीट्यूड यहाँ भी सेम है बेटा, मैग्नीट्यूड यहाँ भी सेम है, लेकिन बस क्या है वैल्यू थोड़ी सी अलग है, वैल्यू क्या है एक माइनस में है। तो देखो मैग्नीट्यूड हमें निकालना है, क्योंकि फ्लक्स में जब हम निकालते हैं तो ई डी एस रखते हैं आप,
ठीक है, तो आप फिर यहाँ रखोगे, लेफ्ट पे भी रखोगे तो लेफ्ट में भी आपको फिर से क्या मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ भी एंगल दोनों के दोनों सेम है, यहाँ भी एंगल जीरो आएगा, ई और डी एस के बीच में एंगल जीरो, देयरफॉर अगेन इट विल बिकम ई डी एस कॉस जीरो और अगेन यू विल गेट द सेम वैल्यू, क्योंकि वहाँ भी तो सर्किल का रेडियस सेम ही आएगा, ठीक है, वहाँ भी क्या आएगा, सेम आएगा, ठीक। बस फर्क क्या आएगा, फर्क ये होगा बेटा कि एक माइनस में होगा और एक प्लस में होगा, ठीक है। चल तो नेट आउटवर्ड फ्लक्स हमें क्या दिख रहा है, दोनों ही फेस पे हम देख सकते हैं नेट आउटवर्ड फ्लक्स क्या होगा। नेट आउटवर्ड फ्लक्स अगर हम ये वाला देखेंगे, ये इसका आउटवर्ड फ्लक्स इच फेसेस पे, तो एक तो लेफ्ट पे हमने देख लिया, ठीक है, राइट पे हमने देख लिया, दोनों पे सेम ही आना है, ठीक है, आगे समझते हैं। दूसरा आपको दे रखा है, ये फर्स्ट वाला है, दूसरा आपको दे रखा है फ्लक्स थ्रू द साइड ऑफ द सिलेंडर, यानी सिलेंडर के साइड पे। तो हमने कोई सरफेस, ये वाला सरफेस है, इस पे कोई छोटा सा सरफेस मान लिया, मान लो, और इसका सरफेस का डायरेक्शन किधर होगा, ऊपर की तरफ होगा, इस पॉइंट पे सरफेस की डायरेक्शन आउटवर्ड, ठीक। अब इलेक्ट्रिक फील्ड आपको लेना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, अगर आप एक्सिस के राइट में ले रहे हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये वाला लोगे, तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर ले सकते हो, और अगर इससे इधर ले रहे हो सरफेस, मान लो यहाँ ले रहे हो, तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ले लेना। दोनों ही केस में बेटा 90 एंगल बनेगा, नहीं, दोनों केस में 90 एंगल बनेगा, और अगर 90 बन गया तो बेटा हमारे पास फ्लक्स की वैल्यू क्या होती है, ई डी एस कॉस 90, तो यानी कि ये जीरो हो जाएगा, ई डी एस कॉस 90, यानी कि फ्लक्स विल बी जीरो साइड पे, इस साइड वाले फेस पे फ्लक्स क्या आएंगे, जीरो आएंगे, यानी इस पे कोई फ्लक्स नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ इन दोनों फेस पे आएंगे, और वो भी सेम इक्वल अमाउंट में आएंगे, ठीक है, मैग्नीट्यूड सेम है उस अमाउंट का। इसके बाद लास्ट है, नहीं अभी तीसरा है, नेट फ्लक्स। तो तीसरा, तो दूसरे में तो हो गया फ्लक्स जीरो, तीसरे में क्या आएगा, नेट। जब नेट की बात करोगे तो दोनों लेफ्ट प्लस दोनों राइट ऐड कर दोगे, क्या ऐड कर लोगे, लेफ्ट प्लस राइट दोनों को क्या कर लेंगे हम, ऐड कर देंगे नेट आउटवर्ड फ्लक्स। और जब ऐड करोगे बेटा तो जितना लेफ्ट वाला आएगा जितना राइट वाला आएगा, उन दोनों के दोनों मैग्नीट्यूड सेम होंगे, उनका टू टाइम्स कर दो, डबल कर दो, भाई सब कुछ तो गिवन है ना, सिंपल वैल्यू रखना है, इनटू कर देना है भाई, दोनों लेफ्ट वाला भी निकालोगे सेम ही आएगा, इतना इनटू कर देना सीधा सीधा। चलो इसके बाद लास्ट वाला पॉइंट आपका नेट फ्लक्स आ चुका है, दिस इज नेट फ्लक्स, ये क्या है आपका नेट फ्लक्स 5। अब आपसे पूछा गया है नेट चार्ज, तो हमारे पास गॉस थ्योरम क्या कहता है कि क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, कहता है ना, तो हम क्यू चाहिए तो क्यू इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, 5 इंटू एप्सिलॉन नॉट, आई बात समझ में, हमें क्यू चाहिए, 5 यहाँ से रख देना निकाल के नेट वाला, एप्सिलॉन नॉट आपको पता ही है। ये सारी चीज़ें निकालने के बाद आपको समझ में आ रहा होगा कि हम इस तरीके के क्वेश्चंस को हम कैसे कर सकते हैं। ये था, दिस इज़ द क्वेश्चन नंबर आपका 1.12, ठीक है, यहाँ तक आई होप आपको क्लियर होगा, ठीक है बेटा। इसके बाद आपका एक लास्ट क्वेश्चन है इस एग्जांपल का, लास्ट एग्जांपल है, मतलब जिसको हम समझेंगे 1.13, उसको समझने के लिए थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना होगा, ठीक है, कैसे समझेंगे ज़रा देखो, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा सबको। तो क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन गिवन है आपका 1.13, एग्जांपल नंबर 1.13 लास्ट एग्जांपल है, बहुत ही ध्यान से समझो, अच्छे से समझो, ठीक है। यहीं पे हो जाएगा, इतने में हो जाएगा मुझे उम्मीद है। चलो समझते हैं, इन एग्जांपल नंबर 1.13, इन दिस एग्जांपल आपको जो क्वेश्चन गिवन है, जस्ट रीड दिस बुक केयरफुली, एग्जाम्पल आपको ध्यान से समझना है, पढ़ो। एन अर्ली मॉडल ऑफ एन एटम, जब आप एटम की मॉडल की बात करते हैं, ठीक है, इट वॉज कंसिडर्ड टू हैव अ पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिवली चार्ज होता है, एंड इलेक्ट्रॉन इज सराउंडेड बाई द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे उसके सराउंडिंग में होंगे, यानी न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाई इलेक्ट्रॉन एक्चुअली में, ठीक है, हाँ, तो न्यूक्लियस अंदर है और चार्ज आपके क्या है, इलेक्ट्रॉन्स बाहर है, इस तरीके से गिवन है। तो कुल मिला के ये भी देखा गया है कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, यानी एक एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, ठीक, उसको भी हम यहाँ पर कंसेप्ट को यूज़ करेंगे। तो आपसे पूछा गया है कि इसका वॉट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द न्यूक्लियस, समझो, तो ये आपका न्यूक्लियस हो गया, थोड़ा सा बड़ा बन गया, थोड़ा सा समझो इस तरीके से, ठीक है, ये आपका न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस, और ये आपका क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन का सेल हो गया,
तो अर्ली मॉडल में पहले ऐसा था ना कि यहाँ पे ये प्लस होता है न्यूक्लियस है तो, और सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ होंगे, सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ होंगे, हमने माइनस इस तरीके से कर दिया, ठीक है। चलो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। आपको एटम, ये एटम हो गया, इसका रेडियस दे रखा है, ये सेंटर है तो एटम का रेडियस दे रखा है कितना, आर, एटम का रेडियस दे रखा है आर, ठीक। उसके बाद आपको दो पॉइंट कंसीडर करना है, एक पॉइंट यहाँ पे पॉइंट पी और एक पॉइंट यहाँ पे, इसको मान लो पी वन, इसको मान लो पी टू, ये पी टू, ठीक है। और ये दोनों के दोनों पॉइंट क्या होंगे, दोनों के दोनों पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस आर फ्रॉम द न्यूक्लियस, ठीक है। तो ई निकालना है, ई एट पॉइंट पी एंड क्यू, एट पॉइंट पी एंड क्यू आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, और दोनों की डिस्टेंस कितनी होगी, स्मॉलर, तो हमने मान लिया ये भी स्मॉलर है, जब हम पी पी वन पे निकालेंगे तो ये स्मॉल आर हो जाएगा, जब पी टू पे निकालेंगे तो ये स्मॉल आर आ जाएगा, ये वाला, ठीक है। और अभी आपका ये वाला है, तो क्वेश्चन समझो, अब याद करो जब हमने बताया था स्फेरिकल वाला, ठीक है, ये आपका स्फेरिकल बॉडी से क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल बॉडी से क्वेश्चन है, मैं बता दूँ ये वही से टॉपिक है, ठीक है। तो जब आप एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड पहले आप आउटवर्ड पे निकालते हो, फिर एट द सर्फेस निकालते हो, फिर एट द इनसाइड निकालते हो, या तो पहले आप इनसाइड निकाल लो फिर आउटसाइड निकाल लेना, ठीक है। तो देखो जब आप आउटसाइड की बात करते हो तो आउटसाइड वाला तो बहुत ईजी है, देखो आपको क्या करना पड़ेगा, लेट अस एज्यूम अ गॉसियन सरफेस पासिंग थ्रू द पॉइंट पी टू, ठीक है, आपने एज्यूम कर लिया गॉसियन सरफेस, ठीक है, पासिस थ्रू पी टू, एज्यूम कर लिया। अब एज्यूम आपने किया तो इसके अंदर जितना भी नेट चार्ज होगा, पहले हम उसके थ्रू फ्लक्स निकालेंगे, हमारे पास क्या फॉर्मूला होता था, फ्लक्स इक्वल्स टू, याद करो, अरे आपने भूल गया, ई डी एस होता था, फिर इसको हम निकालते थे बेटा ई इंटीग्रेशन डी एस, फिर इसके कंप्लीट सरफेस एरिया यानी कि ई इंटू 4πr², लेकिन ये आर नहीं, ये तो आपका स्मॉल आर के थ्रू सरफेस बन रहा है यानी स्मॉल आर स्क्वायर हो जाएगा, और ये फाई की वैल्यू क्या हम निकाल देते हैं, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ तक तो आपको पता ही होगा ये वाली चीज़ तो, ठीक है, जब हम प्रूफ कर रहे थे तो यहाँ तक तो सारी चीज़ें आती थी, ठीक है। अब बात समझ में ये आ गई कि सर नेट चार्ज तो जीरो होगा, ये जो क्यू है ये क्यू कौन सा है, नेट चार्ज इनक्लोज बाई दिस गॉसियन सरफेस, तो हम क्या लिखेंगे, सिंस नेट चार्ज enclosed by Gaussian surface, net charge enclosed by the Gaussian surface is zero, क्यों, क्योंकि भाई आपने एटम पे चार्ज देखा है कभी नहीं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है एटम, ठीक है। तो हम लिखेंगे नेट चार्ज क्या है, जीरो है, देयरफॉर नेट चीज कर दो बेटा क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या आएगा, जीरो, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी टू, कितना आएगा, जीरो आएगा, आई बात समझ में, ठीक है। तो ये बिल्कुल बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, लेकिन अब पॉइंट पी वन पे निकालने के लिए आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, ठीक है भाई। चलो तो जब आप पॉइंट पी वन की बात करते हो, ठीक है, जब आप करते हो एट पॉइंट, अच्छा यहाँ पे हमने पी क्यू ले रखा है ना, इसको ऐसा कर लो पी क्यू बनाने, तो पी क्यू मान लो कोई दिक्कत नहीं है, या पी वन पी टू लिख लो कोई दिक्कत नहीं है, पी वन एंड पी टू कर लो कोई तकलीफ नहीं है, दो पॉइंट है बस। तो एट पॉइंट पी वन कितना होगा ये हमें निकालना है बस। अब पी वन के थ्रू आपको एक गॉसियन सरफेस मानना पड़ेगा, एक गॉसियन सरफेस क्या होगा, एज्यूम करना होगा। सो लेट अस एज्यूम अ गॉसियन सरफेस पासिंग थ्रू द पॉइंट पी वन, लेट अस एज्यूम अ गॉसियन सरफेस पासिंग थ्रू दिस पॉइंट पी वन, इस पॉइंट पी वन पे कितना गॉसियन सरफेस है उसके अराउंड, ठीक है। तो उसके अराउंड निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, सेम यही फॉर्मूला यूज करेंगे, बस फर्क क्या है, आपको नेट चार्ज निकालना आना चाहिए, क्या निकालना आना चाहिए, नेट चार्ज अगर आ गया तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लोगे, लेकिन नेट चार्ज आप कैसे निकालोगे वही आपको वहाँ पे समझना है, समझो। तो जब आप नेट चार्ज निकालते हो, नेट चार्ज पासिंग थ्रू दिस पॉइंट पी इनक्लोज बाई दिस सर्फेस, इस पूरे सर्फेस पे कितना नेट चार्ज आएगा, इस पूरे सर्फेस पे। तो पूरे सर्फेस में निकालने से पहले सोचो, आपके पास एक तो दिख रहा है कि आपका न्यूक्लियस का चार्ज, एक दिख रहा है आपका न्यूक्लियस का चार्ज, यानी कि जब आप नेट चार्ज निकालते हो, क्यों नेट, तो
तो एक न्यूक्लियस का चार्ज दिख रहा है, यानी कि आपका न्यूक्लियस का चार्ज क्या है, जेड इंटू ई दे रखा है, इसमें चार्ज दे रखा है, न्यूक्लियस ऑफ चार्ज जेड ई दे रखा है, यानी कि जेड इंटू ई वैसे भी ये होता ही है, आपको पता ही होगा, ठीक है। इतना चार्ज हो गया, नेट चार्ज निकाल रहे हैं, ध्यान रखना। तो ये नेट चार्ज हो गया जेड ई, इसके अलावा भी तो चार्ज है ना, इसके अलावा भी तो चार्ज है बेटा। तो इसके अलावा जो आपका चार्ज है वो क्या है, देखो जरा यहाँ से, इसके अलावा जो चार्ज है वो ये है कि सर इस सरफेस के अराउंड, इस सरफेस के अराउंड, इस गॉसियन सरफेस जो हम पास P1 से पास कर रहा है, द गॉसियन सरफेस पासिंग थ्रू द पॉइंट P1 कंटेनिंग कितना वॉल्यूम है, उसमें कितना चार्ज आ रहा है, ठीक है। तो हम इस पूरे वाले चार्ज में, इस पूरे वाले चार्ज में से इस वाले चार्ज को माइनस कर दें, आई बात समझ में। या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि भाई ये वाला चार्ज हमारा आ चुका है जेड ई, अब इस वाले चार्ज की अगर हम बात कर लें तो हमारा काम बन जाएगा, क्योंकि ये माइनस में है, इलेक्ट्रॉन है, तो माइनस में चार्ज आएगा, तो हम क्या करेंगे जेड ई के साथ इसको हम माइनस में रख लेंगे। तो आपको वही समझना होगा, थोड़ा सा लॉजिक समझना होगा, ठीक है। तो जेड ई तो हमारा एक हो गया आपका न्यूक्लियस का चार्ज, ठीक है। दूसरा चार्ज क्या होगा, 4/3 पाई आपका वो जो स्मॉल आर है, ठीक है, स्मॉल आर यानी कि इस गॉसियन सरफेस की वॉल्यूम की बात हो रही है, इस गॉसियन सरफेस की वॉल्यूम में कितना चार्ज आएगा, तो उस गॉसियन सरफेस के वॉल्यूम से क्या करेंगे, यूनिट चार्ज यानी चार्ज डेंसिटी उससे इंटू कर देंगे, यानी इंटू रो कर देंगे, ठीक है। और रो हमने क्यों किया, क्योंकि हमने इसका चार्ज डेंसिटी मान लिया, क्या है, रो, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो, और ये हर जगह सेम आएगा, तो ये हमने लिख लिया यहाँ पे रो। दिस इज़ द नेट चार्ज, यानी कि क्यू नेट हमें मिल चुका है, और क्यू नेट कितना मिल गया यहाँ से, जेड ई, और यहाँ से मिल गया प्लस 4/3 पाई है स्मॉल आर क्यू इनटू रो मिल गया है। अब देखो रो की वैल्यू हमें यहाँ से निकालनी पड़ेगी, तो रो निकालने के लिए आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। जब आप रो निकालते हो बेटा, देखो तो रो निकालने के लिए आपके पास सिंपल फॉर्मूला है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, फॉर्मूला है कि नहीं बताओ, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, आपके पास यही फॉर्मूला है। तो चार्ज की अगर हम बात करें तो हमारे पास जो चार्ज है, नेट चार्ज कितना है, नेट चार्ज कितना है, जेड इंटू ई, और अगर वॉल्यूम की बात करेंगे तो 4/3 पाई आर क्यू। देखो जेड इंटू ई नेट चार्ज हो गया, और 4/3 पाई आर क्यू मैंने क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे इस एटम तक की बात हो रही है, इस एटम तक की बात हो रही है, रेडियस आर तक, ठीक है। अब आपका होगा कि सर ये जेड ई प्लस में होगा कि माइनस में होगा, देखो हम बात कर रहे हैं इस माइनस वाले पार्ट की, क्योंकि प्लस वाला जेड ई जो इतना पार्ट है, इतना पार्ट जो दिख रहा है, न्यूक्लियस वाला पार्ट है, जो प्लस वाला पार्ट है बेटा, वो तो ऑलरेडी हम ऐड कर चुके हैं, उसके अलावा हम ऐड कर रहे हैं, यानी कि हम सिर्फ इतने वाला पार्ट का चाहिए, सिर्फ इतने पार्ट का चाहिए, सिर्फ दिस पार्ट, इतने पार्ट का चाहिए हमें दिस पार्ट। अब इतने पार्ट की अगर हम बात करेंगे तो इसमें तो इलेक्ट्रॉन है ना, तो ये चार्ज इलेक्ट्रॉन वाली डेंसिटी से होंगे ना, इलेक्ट्रॉन वाली डेंसिटी से इंटू होगा, इसका मतलब यानी यहाँ पे जो वैल्यू हम रखेंगे बेटा, ये वैली वैल्यू हमारी कौन सी हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। रो की वैल्यू कितनी है, जेड इंटू ई डिवाइड ओवर कितना है, 4/3 पाई कैपिटल आर क्यू, दिस इज़ द वैल्यू, ठीक है। यहाँ तक दिख रहा है ना, विजिबल है ना, नहीं है विजिबल, ओके ठीक है, देख लो, ठीक है। तो ये वाली जो रो दिख रही है बेटा, उसको हमने किससे रिप्लेस कर दिया, माइनस जेड ई से रिप्लेस किया, डिवाइड बाय दिस मच चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, ये हमने रखा। ये चार्ज माइनस जेड ई इसलिए रखा क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ इलेक्ट्रॉन वाले पार्ट को हम कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये न्यूक्लियस वाला जो पार्ट है ये तो ऑलरेडी हमने ऐड कर दिया है जेड ई, देखो। तो सिर्फ अब बाकी जो बचेगा, ये इतना पार्ट ही तो ऐड करना है, इस वाले पार्ट का तो हम बोल रहे हैं दिस पार्ट, ठीक है। तो उसके लिए इतना होगा चार्ज डेंसिटी, 4/3 पाई कट जाएगा। सो यहाँ से मिल गया बेटा जेड ई, यहाँ से हो जाएगा माइनस, यहाँ से हो जाएगा जेड ई, देखो ये आर क्यूब, ये कैपिटल आर क्यूब, तो स्मॉल आर क्यूब बाई कैपिटल आर क्यूब, ये हो गया। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर दोगे, सो व्हाट यू विल गेट, आपको यहाँ से मिल जाएगा, थोड़ा सा और सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, देखो थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे, ठीक है, बस थोड़ा सा लास्ट टॉपिक है। क्यू नेट आप सॉल्व कर रहे हो बेटा, जेड ई आपका कॉमन मिल जाएगा, तो जेड ई कॉमन ले लो, यहाँ से 1 माइनस क्या बचेगा, 1 माइनस आर क्यू डिवाइड बाई आर क्यू, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये क्या आया, ये आया नेट चार्ज। अब इस नेट चार्ज को यहाँ रख दो, हमारे पास फॉर्मूला ऑलरेडी हमारे पास है, नेट चार्ज बाई एप्सिलॉन नॉट इनटू दिस मच, यहीं से हम क्या निकाल लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू नेट ओवर आर स्क्वायर, यही तो फॉर्मूला होता है ना। अब आप देखो इस क्यू नेट को यहाँ से रिप्लेस कर दो और वैल्यू रख दो,
यू विल गेट द आंसर, ठीक है, आपके आंसर आ जाएंगे। सो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा, उसके बाद आपको थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करना होगा, ठीक है, लेकिन बस वैल्यू रख देनी है, आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देना है अंदर, और कुछ नहीं करना, ठीक। सो दिस इज़ द कम्प्लीट एन सी आर टी एग्जाम्पल्स, यहाँ तक आपको क्लियर कर चुका हूँ मैं। इसके बाद आपका जो क्वेश्चन होगा, ठीक है, वो एन सी आर टी एक्सरसाइज के क्वेश्चन होंगे, ठीक है, एन सी आर टी एक्सरसाइज के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। कुछ लोगों को दिक्कत होगी, मुझे पता है, इसको मैं रख ही दे रहा हूँ 1/4 पे एप्सल नॉट, देखो 1/r² यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है, 1/r² इंटू कर दो, कितना है तो जे डी आपका मिल जाएगा, तो जे डी तो मैं यही लिख दे रहा हूँ, ठीक है, 1/r² है ये, 1 - r³/r², ठीक है, यही तो था, अब आपको इंटू कर देना है, तो जेड ई डिवाइड बाई 4π ε₀ 1/r² से इंटू करोगे तो 1/r² माइनस यहाँ से इंटू करोगे तो r/r³, भाई यही तो आएगा ना वैल्यू, ठीक है, देख लो जरा आंसर, देख कर लो बुक में, आई होप यहाँ तक आया होगा, ठीक है। सो दिस इज़ द आंसर, आई होप यहाँ तक समझ में आ गया। नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे एक्सरसाइज की, प्लीज़ वीडियो को देखते रहें, और अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, थैंक यू।